दोस्तों जनवरी का महीना जा चुका है और हमारे जो मंथ ऑफ द एंड में एक मोबाइल की सीरीज होती है कि कौन से नए फोन्स आने वाले हैं अगले मंथ में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको फरवरी के महीने में बहुत ही कमाल के फोन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी लिस्ट में रखा गया है, जिसने जो आएगा फरवरी के महीने में आपको 10 या 15 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 7 के बारे में, जिसने पूरी मार्केट को हिला दिया है क्योंकि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और यही एक और आपका है Redmi Note 7 और एक और जो आपका आता है Redmi GO। आपको Xiaomi की तरफ से तीन फोन देखने को मिलने वाले हैं फरवरी के महीने में, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro और Redmi GO। अगर आपने Redmi Note 7 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, प्लीज आकर के उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैंने उसमें डिटेल्स में बताया है Redmi Note 7 के बारे में। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले फोन की तरफ, जो आता है Vivo V15 Pro को लेकर के। ये आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगा। ये कंफर्म नहीं है कि ये स्टार्टिंग में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको ये फरवरी में देखने को मिल जाएगा। Vivo Nex आया था, उसी जैसा इसमें कैमरा दिया गया है, पॉपअप कैमरा, लेकिन वो थोड़ा सा फ्लैगशिप फोन था, वो 40,000 रुपए के समथिंग आया था। तो ये फोन आपको बजट में मिलने वाला है, वही 25,000 से 30,000 रुपए की रेंज में मिलने वाला है। इसमें भी आपको पॉपअप कैमरा दिया गया है और इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है और जैसे ये फोन आएगा मैं आपको जरूर से बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में घंटी को जरूर दबाइएगा क्योंकि इससे ही आपको मिलने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। ये जो फोन है बहुत ही लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं इस फोन के लिए, ये फोन है Nokia का PureView। इसमें आपको 5 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 6 महीने से 8 महीने से कंटिन्यू रूमर्स में है, लेकिन फाइनली कंफर्म हो गया ये आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको एक और फोन देखने को मिलेगा जो कि Nokia 6.1 Plus का सक्सेसर बन के आएगा, Nokia 6.2 Plus। तो मैं आपको इसके बारे में भी जरूर से बता दूंगा जैसे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और जो अगला फोन है वो आपका आता है Oppo की तरफ से K1। इसमें क्या है, इसमें आपको डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे चीपेस्ट फोन होगा जिसमें आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कुछ रूमर्स के द्वारा ये भी पता चल रहा है कि जो इसकी प्राइस है वो 16,000 या 17,000 रुपए के आसपास होने वाली है। तो ये जब जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर से बता दूंगा। और तो भी अपनी जी सीरीज को लॉन्च करने वाला है फरवरी के महीने में, जिसमें आपको 4 फोन देखने को मिलेंगे, Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play और Moto G Power। ये आपको 4 फोन आपको देखने को मिलेंगे Moto की तरफ से, जो कि आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे। ये कंफर्म नहीं है कि ये कब तक देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि 10 फरवरी तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाए। जैसे ये फोन्स इंडिया में लॉन्च होते हैं मैं आपको जरूर से बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस होने वाली है काफी अच्छी प्राइस होने वाली है, 7,000 रुपए के बजट में फोन आने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है अगर आप Moto के फैन हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। और एक और जो फोन है सैमसंग के लवर के लिए, जो सैमसंग अपनी S10, S10 Plus और S10 Lite लेकर के आने वाला है, जो सैमसंग का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है फरवरी के महीने में, इसमें सैमसंग 3 फोन लॉन्च करने वाला है, सैमसंग S10, S10 Plus और S10 Lite। जैसे ही इंडिया में लॉन्च होता है, क्या प्राइस में लॉन्च होता है मैं आपको जरूर से बता दूंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा These phone are very good। ये जो फोन है आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलने वाले हैं, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा है, कौन सा आप खरीदना चाहोगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, साथ में घंटी को दबाना मत भूलिएगा। आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन क्योंकि आपको फिर मेरी ऐसी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इट्स वेरी मस्ट।
मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।